आरडी न्यूज में आपका स्वागत है। 7 मार्च आज 2022 को विधानसभा चुनाव के 7वें चरण की 54 सीटों पर 613 प्रत्याशी मैदान में हैं। मतदाताओं में बड़ी ही उत्साह देखी जा रही है। आजमगढ़ की जनता बड़े ही जोश और खरोश के साथ पोलिंग बूथ पर लगातार जा रही है और बड़ी ही भीड़ भाड़ देखी जा रही है। जैसा कि देखा जा रहा है कि आजमगढ़ में 52 से 54% वोट पोल देखा गया है। अब सबकी किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब 10 मार्च को पूरे उत्तर प्रदेश के सभी प्रत्याशियों का फैसला देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं जनता की राय क्या है। और कोई दिक्कत अच्छा सरकार चुनी और सुशासन व्यवस्था बनाए रखे ऐसा सरकार चुनी और जिस तरह विकास की दूरा बह रही है उसी तरह बहती रहे। जो पुराना राज है उसका नाम बढ़िया रहे, महिलाओं की सुरक्षा रहे, सारे रोजी रोजगार दोनों का चलता रहे ऐसा सरकार चुनी और प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री जो काम कर रहे हैं उनकी मैं बहुत सराहना करता हूँ। ऐसा व्यक्ति दोबारा हम लोग को नहीं मिलेगा। लोगों को यही बताना चाहता हूँ, ये मेरी बहुत कामना है लोगों से और लोग मुख्य पर विश्वास करें और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और आगे भी करेंगे। और एक ज्ञानी व्यक्ति है जिनको सब उनके पास खुद उनको किसी चीज़ की जरूरत है तो खुद मान सकते हैं, किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। समाज के लिए जी रहे हैं और हम लोगों के देश के लिए पढ़ाई करें। आइए विजय कुमार अग्रवाल से पूछते हैं क्या व्यवस्था है। व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है, बहुत सुचारू रूप से चल रहा है और मतदाता मतदाता मत भी दे रहे हैं और कोई प्रकार का प्रावधान नहीं है। और ये तो यही कहेंगे सभी लोग दें अपना और विकास के नाम पर दें, विकास के ही लिए है। और हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने यही हमारी वोट के लिए अपनी सरकार ने व्यवस्था की है, जागरूक किया है। 11 बज रहा है तो सरकार ने टाइम फिक्स किया है, 6 बजे तक टाइम है। हम जब बनते हैं तब जब तो युवा का मतलब क्या है, आप आगे बढ़ेंगे उसके बाद लोगों को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल आगे बढ़ रहे तभी तो पहुँचे। मैंने वोट दे दिया क्या बजे दिया, मैंने अभी आधा घंटा पहले। लोगों में ज़्यादा उत्साह है वोट देने के लिए, सभी लोग घर से निकल रहे हैं, औरतें भी ज़्यादा तरीके से वोट दे रही हैं। आप यहाँ सब दे चुके हैं? जी हम तो सभी लोग दे चुके हैं वोट, हमारे मत पे अच्छी वोटिंग हो रही है, सुरक्षा भी अच्छी यहाँ पे, सारे लोग बढ़ बढ़ के वोट दे रहे हैं, सबको खुशी है। विनय बरारा तिवारी जी से बात करते हैं, हाँ क्या हालात है यहाँ से, कब से वोट पड़ रहा है? यहाँ 7 बजे से वोट पड़ रहा और बहुत ही शानदार तरीके से पड़ रहा है। लोग अपने अपने मत को दे के जा रहे हैं, खुश होके जा रहे हैं। ये हमारा आदर्श बूथ है और यहाँ आदर्श तरीके से वोट पड़ रहा है और सारे हमारे जितने भी यहाँ प्रशासन हैं और जो हमारे ऑफिसर्स हैं ये सब अच्छे काम कर रहे हैं और बहुत ही शांति से लोग वोट देके जा रहे हैं। और क्या बजे से शुरू हो गया फल वोट? 7 बजे से सही समय पे शुरू हुआ। जागरूकता जो सरकार ने बनाई थी जागरूकता बढ़ी है कि नहीं? वोटर अपने वोट के प्रति बहुत ही सजग है और वोट दे रहा है और सरकार को अपनी इच्छा से बना रहा है और सरकार एक अच्छी सरकार आएगी, लोग अच्छे तरीके से मतदान करेंगे। हाँ दीजिए सर। कौन सर? वोट दे दिया कि बाकी है सर? वोट दे दिए। तो यहाँ परेशानी आने जाने में कोई दिक्कत नहीं सर? क्या हो गया, सब अच्छा है? भीड़ भाड़ में शासन प्रशासन सब बढ़िया है, सब लोग ठीक व्यवस्था पूरा किए हैं, सब लोग अपना मतदान जरूर कर रहे हैं आके आराम। कोई प्रशासन की तरफ से कोई तकलीफ नहीं हो रही। आप कुछ कहना चाहते हैं?
बहुत बढ़िया प्रशासन की सब व्यवस्था है। और दूसरी चीज़ ये है कि शासन प्रशासन जो भी इस तंत्र में लगे हैं, हमारे कर्मचारी सभी लोग बहुत अच्छा, सबका सहयोग है। और मतदान तो हम सबसे अपील यही करेंगे कि मतदान अवश्य करें। मतदान सरकार को बना सकती है, सरकार को बिगाड़ सकती है। आप अपने विकास के लिए मतदान जरूर करें। कॉलेज है यहाँ पे, बाल बहादुर मोहल्ला गुलामपुरा सीताराम, यहाँ पर पोलिंग होती है। सुबह से लाइन लगी हुई है, इसमें तरफा चल रही है साइकिल, कोई उसको आगे नजर आ रही है पूरी दफा। अब फिर नौवीं बार जीतेंगे विधायक, सपा की सरकार आ रही है। बस बदलाव चाहिए, बदलाव, और बदलाव बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए और नौजवानों के लिए। बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई है। बोलिए भाई, आप लोग बेरोजगारी है कि नहीं? बड़ा जो फर्म है, क्या सब बेरोजगार घूम रहे हैं? इसको आप किस रूप में देखना चाहते हैं? बस हम अपनी उंगलियों से दिखाना चाहते हैं। क्या दिखाना चाहते हैं? दिखा दिया। किसको दिखाना चाहते हैं भाई? सरकार को दिखाएंगे। कोई सरकार नहीं, अभी इस वक्त जो आने वाली है वो देखे कि नौजवान जुड़ा हुआ है तो उनके साथ कुछ ना कुछ अच्छा करे, वरना ये भी चले जाएंगे 5 साल के बाद। अच्छा, हाँ, जाहिर सी बात है, जो करेगा वही आएगा। अब नौजवान जाग चुका है, जात पात नहीं, सीधा उंगली दिखाएगा और वही उसी को दिखाएगा जो करेगा। साला हमारी औलाद खुद सदुरी जोने के मोबाइल के चक्कर में बेकार भाई है। सुबह उठते ही साला जो गेम चाहिए, पढ़ाई कहाँ हो रही है? चल चल 800 रुपये तो साला रिचार्ज कराना पड़ रहा है, 4 मोबाइल 2400 रुपये तो यही ले लिया। बदलाव आएगा तो ई रिक्शा भी मिलेगा। नहीं, ई रिक्शा नहीं चाहिए, पढ़ाई चाहिए, तालीम चाहिए। उसके लिए जो है ये जो फीस जो है दुनिया भर की बढ़ चुकी है, फीस कम चाहिए, कम से कम फीस करें, लोगों के लिए जो है तालीम बेहतर से बेहतर करें। ठीक है, जिसके येल्लो जो है कि हरियाणा प्राइमरी स्कूल है, हरिलाल गौतम है। कम से कम हमारे गांव में 2703 वोट है, उसमें तो जो है कि आधा वोटरों का नाम नहीं है, जिन्होंने इन्होंने जो है कहते हैं कि हम केंद्रीय विद्यालय स्कूल के पास आके बैठेंगे, उसके बाद ग्राम वाले आए अपना अपना नाम लिखवाएं। लोगों को जो है इनके प्रति मतलब वो आएगा कि अगर आदमी आएंगे तो ये लिखेंगे। ग्राम सलेमपुर जिसमें 1500 भाग संख्या 63 में 751 वोट है, और 748 वोट है। नाम है ना वहाँ पर्ची में तो कहीं नहीं, पर्ची बना के देंगे ना आपको? पर्ची नहीं आया होगा, मैं कह रहा हूँ मैडम, जिसमें जिसका लिस्ट में जैसे हम कल के लिए हमें वहाँ पे जाएंगे, वहाँ हमें पकड़ा जाएगा, हमारे ऊपर कार्रवाई होगी। देखिए, आजकल की परसों की बात नहीं, आज जो है वो बताइए। देखिए सबकी पर्ची ना, आजकल जो भी ना, देखिए लिस्ट में नाम है, ग्राम सलेमपुर है और प्राइमरी पाठशाला। 250-300 वोट यहाँ पे नाम नहीं आया है क्या? 250-300 क्या बता रहा हूँ, घर उगा में कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें एक दो चार वोट नाम कट गया है, कोई ऐसा घर घर बचा नहीं है जिसके घर, मेरे घर में दो वोट कटा। और सरकार में कितना गिनती कराऊंगा, कहाँ से कम हो रहा है? जब लोग नामा बेलो अपना काम ही नहीं कर रहे हैं, उत्साह पब्लिक की तो बहुत सारी है, लेकिन जो बेलो अपना काम ही नहीं कर रहे हैं वोट देने के लिए, तो कहाँ पे हाथ पड़ा हुआ उसका नाम है नहीं है, पब्लिक इतने परेशान है, कहाँ तोड़ देंगे वोटर? इल्जाम है 300 वोट नहीं है, 250 नहीं है, 300 तो लिस्ट इनसे पूछे, लिस्ट इनको कौन दिया गया बताइए? मतलब अदरवाइज यहाँ पे जनता नहीं है? क्यों नहीं जनता? तो हम लोग अदरवाइज जनता जो यहाँ पे रह रही है
उसका नाम क्यों नहीं? जानना चाहिए ना कि हमारे यहाँ ग्राम सभा में कितने आदमी हैं, कितने लोग हैं। नहीं, ये गवर्नमेंट को मालूम पड़ेगा। गवर्नमेंट ये गवर्नमेंट मतलब जब पहले से बीएलओ को दिया गया काम, तो पहले से लोगों को लिस्ट बना के घर वगैरह दे रहे थे ना? बिल्कुल मैडम, आप जो है सर, हम तो जान रहे हैं कि नाम वोटर लिस्ट में वहाँ से जो हम लोग को मिला है, जो हम लोग भर कर वहाँ से फॉर्म देते रहते हैं, आता जाता है। हम लोग तो कॉलोनी में पूरा जाते, कहीं कहीं कोई दरवाजा भी नहीं खुलता है। हम लोग लेके चले आते, तो कुछ पर्ची यहाँ पे पट्टी हम लोग दे रहे हैं। कितना वोट कटा हुआ कुछ बता सकते हैं? क्या बताएं? अरे 300 वोट कटा है, 300 हजार वोट, ये तो सही खुद ही नहीं बोल रहे हैं। 300 वोट कटा हुआ है, साफ ही बताइए। 751 लिस्ट हमारे पास है, अब ये बताएं कि कितने गांव की लिस्ट है, ये बताएंगे ना? कितना कितना 765 वोट उस बार था 2017 में, आपकी कुछ वोट नाम कटे, हम नहीं कटे। इसको रख लीजिए, कितना कटा? अब नोट तो नहीं किए हैं। अरे ये बताएंगे क्या, ये क्या बताएंगी? सही रिपोर्ट तो बताइए नहीं करेंगे। क्यों नहीं सही रिपोर्ट? हमारे यहाँ नंबर नहीं है, आप वोट नहीं डाल। अरे भैया क्यों नहीं वोट डाल सकते हैं? मतलब ये फर्जी काम हो रहा है क्या? नहीं, यहाँ से आप यहाँ संतुलन विस्तार से एक बताइए कि क्या मामला है। बारी बारी से बताइए ना। पर्ची में नाम नहीं है तो अंदर भी नाम नहीं होगा। चलिए मैं आपको बताइए, बहुत नाम कटा हुआ है। तो हम लोग आए यहाँ के मिलने के बाद मैडम से बात किए, तो 10 बजे से मैडम आई हुई हैं, 2 घंटा इनको लग गया, इनकी लिस्ट में नाम नहीं आ रहा था। ये जो भी कोई परेशानी है, आइए इन्हीं से बात करते हैं। लाओ ना, देखिए मैं 2 घंटे से यहाँ आई, पूरी लिस्ट में नाम चेक किया गया, कहीं मेरा नाम नहीं। फिर बीएलओ जी के यहाँ मैं आई, उन्होंने एक पर्ची बना के दिया मुझे, लेकिन मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया कि आपका अंदर लिस्ट में नाम नहीं होगा। फिर दोबारा मैं बीएलओ जी के यहाँ आई, हम लोग इतना परेशान हुए, ये जब साथ में गई हैं तो मुझे डायरेक्ट अंदर जब लेके गई हैं तब मुझे मैं वोट दे पाई। तो हर कोई इस तरह नहीं परेशान हो पाएगा ना, बीएलओ जी साथ साथ जाएंगे। हमारा यही अनुरोध है कि हर किसी को ये परेशानी ना झेलने पाए, कायदे से वोट पड़े और कायदे से हम लोग चुनाव कर सकें। जब हम आए हुए थे यहाँ अफरा तफरी का माहौल था, 300-400 कोई कह रहा है 1000 वोट नहीं आए हैं, वोट लिस्ट में नाम नहीं आया है, तमाम तरह का उलझन बेलो जी के लिए हो गया। मैडम आप बताइए। सर हम बोल रहे हैं कि तफरी तफरा इसलिए हो कि वोट कुछ नाम कटे हैं, लेकिन जो नाम लिस्ट में है उसको नाम हम वोट पर्ची दे चुके हैं, सबको वोट दिलवा दे रहे हैं। तो इनका तो नाम नहीं आया था, उलझन हुई थी तो आप साथ में जाना पड़ गया था। सर हम बोल रहे हैं, सर बोल रहे हैं, वही बोल रहे हैं सर, हम इनके आए हमारे पास, कहीं हमको वोट नहीं देने दे रहे हैं। हम कहें चलिए हम वोट दिलवा देंगे। हाँ बिल्कुल सर, हम भी साथ साथ गए हैं और रोड आपने दिलवाया। किस तरह के कितने लोगों को आप दिलवाएंगे? क्या सभी का दिलवाओगे? जब सब जो जिसका नाम लिस्ट में रहेगा उसका हम सबकी दिलवा देंगे। देखिए भाई, सबका वोट दिलवाने के लिए मैडम लिस्ट में जिसका नाम रहेगा उसका हम सबको दिलवा देंगे। लिस्ट में जिसका नाम रहेगा उसका दिलवाने के लिए लिस्ट में नाम रहना चाहिए। जब हम लोग यहाँ के निवासी हैं तो हमारा लिस्ट में नाम रहना चाहिए। लिस्ट में जब नाम रहेगा मुद्दा का बदलाव का मुद्दा है, उसके अलावा कोई मुद्दा नहीं, सरकार बदलाव का मुद्दा सवाल वाल है। सब लोग बताइए आप किस मुद्दे पर वोट दे रहे हैं? वोटिंग हो रही है आज, आप किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं? क्या बदलाव? महंगाई, शिक्षा, बेरोजगार, शिक्षा तो हमारा स्कूल बंद हो गया है, बच्चों का से नुकसान हुआ। अरे योगी जी कल्ला भी दे रहा है आपको, कल्ला भिखारी बना दिए, भिखारी बना दिए, आप सपा ठीक है, आप किस मुद्दे वोट कर रहे हैं? बेरोजगारी, बेरोजगारी और विकास।
एकदम बंद कर दिया, जाहिल कर दिया, जाहिल सरकार ने जाहिल कर दिया। बेरोजगारी तो इतनी हो गई, जो बेरोजगार थे उनको भी बेरोजगार कर दिया। भाई कौन है जो गांव में ये 60 किलो नहीं है, योगी जी ने पाल के रखा है, क्या कि कहते इधर 5 किलो देंगे 50 किलो खिला देंगे। महंगाई ऐसी कर दिया ना, गाड़ी खड़ी है चल नहीं पा रही। नहीं तो योगी जी साहब ने सुरक्षा भी दिया, दंगा हमारे सरकार में नहीं हो रही है। वो खाली हाथ ले लो, हमारे सरकार में कोई दंगा नहीं हुआ, हम गल्ला दे रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा दे रहे हैं। दंगा कराते थे वही दंगा में आके सरकार में दंगा होगा। डेमोक्रेसी में रहते हैं, डेमोक्रेसी में यहाँ पे हर किसी के वोट की कीमत बराबर है, चाहे वो स्कूल में एक चपरासी हो, चाहे हमारे मुल्क का राष्ट्रपति हो, और हर इंसान को अपने वोट का अधिकार है कि वो किसी के हक में वोट कर सकता है। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, और बेहतर है कि अपने हिसाब से हर एक आदमी प्रदेश के हित में वोट करे। क्या ये मोबाइल काबिल कितनी हिम्मत है।
मास्क लगा लेना।